सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। आज है 14 अगस्त और हम सब मना रहे हैं अपने खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान का ये अजीम दिन, और ये अजीम दिन आप सबको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं, आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं और आज फिर PMI के स्टूडियोज़ में हमारे साथ इस पुरमुसर्रत मौका पर मौजूद हैं। मेरी मुराद है राहत मुशफिक, जो एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त रिकॉर्डिस्ट भी हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं राहत मुशफिक के साथ। जी राहत, कैसे हैं आप? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PMI TV का कि उन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम रखा और मुझे बुलाया। मुझे बहुत खुशी है और मैं खुश हूँ आपके साथ मिलके, अपने पूरे व्यूअर्स के साथ मिलके, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये वो दिन है जब सारी कौम के अंदर एक जोश और वलवला होता है, और मुझे इलामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा था, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो। तो हमारे हाथ हमेशा इस मुल्क के लिए उठते हैं कि खुदा हमारे मुल्क को नज़रे बद से बचाए और हमारे मुल्क को तरक्की और कामयाबी और सरफराजी अता करे। अच्छा, आपने इसमें एक बात नोट की है कि अभी भी हमने जो शेर पढ़ा है वो हमने पुराना लिया है। यस, हमने कोई नया नहीं बोला। बिल्कुल, उसमें आज भी हमें एक पैशन और एक खुशी उसमें फील होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पुरानी पोएट्री है क्योंकि ये वो कलाम है जो दिल से लिखा गया है। जी बिल्कुल, और जो चीज दिल से लिखी जाती है वो असर रखती है। बिल्कुल बेशक। तो मतलब आज भी मिली नगमे बनते हैं, मिली नगमे गाए जाते हैं, लेकिन एक स्पिरिट जो हम पुराने मिली नगमों में फील करते हैं शायद वो हमें आजकल नजर नहीं आ रही, ऐसा क्यों है राज साहब? ऐसा मेरे ख्याल में सर है क्योंकि जब हम छोटे होते थे, आपको पता है कि हम झंडियां खरीद के लानी, या कभी हमें थोड़े से पैसे मिलते थे किसी यार दोस्त के पास, चलो आओ यार हम सजाते हैं अपने घर को, सजाते हैं झंडा स्पेशल लेके आना, अगर हम तो नहीं थे ला सकते था, वो महंगा मिलता था, तो मम्मी अब्बू से कहना कि ला दें हमें, फिर वो छत पे लगाना हमने, तो एक बड़ी उसमें अच्छा लगता था हमें, एक जोश उसमें होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जब बड़े होते गए चीज़ समझ नहीं आई, कुछ ठंडा पड़ता गया सब कुछ। मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं कि जब हम छोटे थे तो बेफिक्री होती थी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, मतलब जिम्मेदारियां नहीं थी, लेकिन जो जो हम बड़े हुए जिम्मेदारियां आयद हुई हम पर, और मतलब फिक्रमंदी बढ़ती चली गई, तो अब वो जो एक अटेंशन थी हमारी, जो उस वक्त इन सारी बातों को पीछे छोड़कर सिर्फ ये होती थी कि हमें ईदों को कैसे सेलिब्रेट करना है, हमें क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना है, हमें अपने जो त्यौहार हैं जैसे 14 अगस्त आता है, 6 सितंबर आता है या 23 मार्च आता है, इनको बड़ी खुशी के साथ। लेकिन जो जो हम अपनी जिम्मेदारियों में धंसते चले गए, हम इन जो खुशियाँ थी इनको सेलिब्रेट करना शायद भूल चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स भी उसी तरह से जोश होता था उनमें, है ना? जी बिल्कुल। तो अब जब हम नहीं शो करते तो आगे से हमारे बच्चे हैं या भतीजे हैं भांजियां हैं, वो भी उतना वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना? आपने ये नोट किया होगा। जी, 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 जी। तो मेरे ख्याल में जब तक बड़े इस चीज में इन्वॉल्व ना हो तो छोटे डेफिनेटली, और मेरा ख्याल है कि वो स्पिरिट जो अभी शायद नजर नहीं आ रही, हमें उसको फिर से बूस्ट देना है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अपनी नस्लों को बताना है कि ये वो मुल्क है जो बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें हासिल हुआ है, और फिर हम इस मुल्क में आजाद हैं। और जब आजाद हैं तो मुझे एक आयत बाइबल मुकद्दस में से मेरे जहन में आ रही है, लिखा है कि बस अपने आप को आजाद जानो और इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। ठीक, सो हम आजाद हैं आजाद रहने के लिए।
जब कोई शख्स आज़ाद छोड़ा जाता है तो बाइबल इस बात की शहादत देती है कि उसकी आज़ादी फिर उस पर डिपेंड करती है कि वो अपनी आज़ादी को किस तरह से सेलिब्रेट करता है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि हम आज़ाद तो हैं, एक आज़ाद मुल्क में तो दाखिल हो चुके हैं या एक आज़ाद मुल्क में तो रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी सोचों में कहीं ना कहीं कैद हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम उस तरह से खुश नहीं हो पाते। ठीक, कहीं ना कहीं लाइक हमारी जिम्मेदारियां, हमारी फिक्रमंदी, उसने हमें कैद कर लिया है, हमारे तसव्वुरात ने हमें कैद कर लिया है और हम अपनी खुशियों को भी भूल चुके हैं कि उनको किस तरह से सेलिब्रेट करना है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एज अ सिंगर, एज अ रिकॉर्डिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई मेरे स्टूडियो को 8-10 साल हो गए हैं मुझे बनाए, तो हर दफ़ा मेरी कोशिश होती है, मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। जब मैं छोटा होता था, कैसे हम झंडियाँ लगाते थे गली मोहल्लों में, जैसे झंडा हम लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ड्राइंग का भी मुझे शौक था, स्केचिंग का, तो मैं हर दफ़ा 14 अगस्त पे जश्न आज़ादी मुबारक मैं एक बड़ा चार्ट बनाया करता था, घर में ही लगा देना, पूरा दिन उसमें बिजी रहना, कलर्स उसमें करते रहना। मुझे याद है मैं छोटा होता ये करता होता था। वाह। अभी जब के बड़े हो गए और शौक भी बड़े हो गए, फिर ये कि मैं सिंगर म्यूजिशियन और रिकॉर्डिस्ट जब प्रोफेशनली इस तरफ आया जी जी। तो फिर मैंने हर साल एक नेशनल सॉन्ग मैं ज़रूर बनाता था, तो मुझे अच्छा लगता था कि ये एक 2-3 हफ्ते होते हैं तो इसमें खुशियाँ वो मुझे फील होता है वैसे ही, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम उसी दौर में चले गए हैं। बिल्कुल, हुब्बुल वतनी होनी चाहिए हमारे अंदर। और जहाँ तक हम अपने आप को गॉस्पल सिंगर्स कहते हैं, हम खुदावंद के लिए गाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर प्रेजेंट करें। हम इस मुल्क में रहते हैं और हम सब भाई हैं, हम सब आपस में एक हैं। यस, ठीक है, वो बेशक हम क्रिश्चियंस हैं, बेशक मुस्लिम्स हैं, बेशक हिंदू हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरे साथ हर दफ़ा नेशनल सॉन्ग्स में बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई भी होते हैं साथ, दोस्त, वो बड़ा पैशन से मेरे साथ काम करते हैं। हम आउटडोर शूटिंग्स भी करते हैं, आते जाते हैं, और उसमें बच्चे बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं उसमें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा होना भी चाहिए कि हम सबको एक साथ लेके चलें उसमें, खा बच्चे हों, खा बड़े हों, खा जवान हो, जो भी हैं उनको साथ लेकर चलें और उनके साथ मिलकर इन खुशियों को हम दुबाला करते रहें। राज साहब, ईस्टर हो या क्रिसमस हो, डिशेस तो बनती हैं और ख़ास तौर पे मीठा बहुत पसंद किया जाता है, तो क्या 14 अगस्त पे भी कुछ ऐसा होता है कुछ? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जहाँ तक देखा है, न्यूज़ पे भी देखते हैं कि सभी लोग जो हैं वो मिलके केक कटिंग होती है, वो नेशनल फ्लैग जो है उसकी तरह का हम बनाते हैं, ग्रीन वाइट, तो लोग सेलिब्रेशन करते हैं, केक कटिंग होती है और साथ सैरो तफरी पे लोग निकलते हैं, मतलब पाकिस्तान की सालगिरह मनाई जाती है। पाकिस्तान की सालगिरह अच्छी खासी मनाई जाती है जी। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं ये फील करता हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्र करते हैं, मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमारी फिक्र करते थे कि मतलब पहले साल की जो सालगिरह होती है वो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जब 5 साल का बच्चा होता है तो फिर उसकी एक बड़ी सालगिरह की जाती है, फिर 10 साल का होता है फिर उससे बड़ी की जाती है, फिर वो मतलब एक और वो हकीका जिसे बोलते हैं उस तरह से भी लोग किया करते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे नज़रिए के मुताबिक बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के लिए भी केक काटें और अपने मुल्क की भी सालगिरह हर साल करते रहें, और उसको मतलब ये नहीं कि केक बना लिया है, हमने झंडियाँ लगा ली हैं, लेकिन चेहरे मुरझाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे चेहरे भी खुश होने चाहिए, हमारे अंदर भी खुशी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, फिर ही मज़ा आता है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि फिक्रमंदी तो चलो सारा साल रहती है जी, यू नो, हम मतलब इंसान हैं और इंसान होते हुए चैलेंजेस जिंदगी का हिस्सा हैं, वो ख़ानदानी तौर पर, मुआशरती तौर पर, सकाफती तौर पर, सियासी तौर पर, जज्बाती तौर पर, जहनी, मतलब कोई ना कोई चैलेंज चलता रहता है लाइफ में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद एक दिन ऐसा ज़रूर हमारी लाइफ का होता है जिसमें हम सारी फिक्रों को एक साइड पे करके अपनी खुशियों को अपने प्यारों के साथ मिलकर मना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अच्छी तरह याद है कि हम चर्चेज में भी नेशनल सॉन्ग्स गाते हैं। डेफिनेटली, है ना, हम चर्च में भी सेलिब्रेट करते हैं और हम प्रेयर करते हैं अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और हम सेलिब्रेट करते हैं चर्चेज में भी, हम केक्स काटते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ट्रेंड। राज साहब, मैं चाहूँगा कि आप मेरे नाजरीन के साथ कोई नेशनल सॉन्ग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कुछ लाइव गाएं। आज 14 अगस्त है और मेरे नाजरीन भी आपके साथ मिलकर
उस खूबसूरत मिली नगमे को गाएंगे। जी ज़रूर, एक मेरा बहुत ही पसंदीदा नेशनल सॉन्ग है, हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम हैं। वाह, तो सर आप और मैं मिलके गाते हैं। व्हाई नॉट, यस। हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। ला 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 la 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 praise the lord। हम सबका पाकिस्तान, हम सबकी है पहचान। कहीं मत जाइएगा, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और राहत मुशफिक के साथ और ढेरों बातें हम करेंगे। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। सना गाएं, सना गाएं, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं और हम मना रहे हैं आज़ादी का दिन। सो आप सबको 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी राहत, हम गा रहे थे हम जिंदा कौम हैं पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। इसमें किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन के साथ हम सब एक हैं और हम सबको मिलकर अपने मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात काम करना है। जी बिल्कुल, और हमें जो भी टैलेंट है हमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए इस मुल्क की तरक्की के लिए। यस, अगर हम डॉक्टर हैं तो हम अच्छे डॉक्टर बने इस मुल्क के लिए, कुछ ना कुछ करें। अगर सिंगर हैं तो हमें जो भी टैलेंट है इस मुल्क के लिए देना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। और फिर एक और चीज़ वो ये है कि जो भी टैलेंट खुदा ने हमें दिया है उसके साथ तो करना है। ये जितनी मेहनत हमने की है, क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, जो कुछ भी स्किल्स हमारे पास हैं, इसमें एक खास बात ये है राह साहब कि हमें डंडी नहीं मारनी किसी भी काम। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खुदा का काम समझ के हमने 110% अपना जो हिस्सा है वो उसमें डालना है, और खलूस नीयत के साथ, खलूस दिल के साथ। क्योंकि शुरू में मैं जो बाइबल मुकद्दस में से वर्स पढ़ रहा था, जबूर नंबर 37 और उसकी तीसरी आयत को फिर से रिपीट करूंगा, लिखा है खुदावंद पर तवक्कल कर, यानी खुदावंद पर भरोसा कर। और खुदावंद पर भरोसा करते हुए अगला काम कौन सा है, लिखा है नेकी कर, नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल, नेकी कर, किसी को ना बता कि मैंने नेकी की है। सो हमें अपने मुल्क के साथ नेकी करनी है, हमें अपने मुल्क के लोगों के साथ नेकी करनी है, लेकिन भरोसा खुदा पर करना है उसके रिवॉर्ड के लिए। ठीक, फिर लिखे मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। और जैसे जैसे हम मुल्क के साथ वफादारी करेंगे, जैसे जैसे हम मुल्क के लिए अपना बेहतरीन हिस्सा देंगे, डेफिनेटली मुल्क से भी हमें अच्छा रिटर्न और अच्छा रिस्पॉन्स अजर के तौर पर मिलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था तो न्यूज़ वाले थे कुछ वहाँ पे, तो कहते कि आप आजकल देख रहे हैं जो भी हालात हमारे चल रहे हैं, ठीक है, तो पेट्रोल महंगा हो गया या ऐसी हैं चीज़ें, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए या क्या। तो मैंने उन्हें कहा कि जहाँ तक मेरा ईमान है और जहाँ तक मेरी सोच है,
हमें अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। बाकी ये कि हुकूमत जो है उसको ज्यादा पता है कि हमने कौन सी चीज महंगी करनी है, कौन सी चीज सस्ती करनी बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, हमें वफादार रहना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। ये बात है। तो ये मैंने उसको जवाब दिया, वो बड़ा खुश हुआ। वाह, यकीन सर आपने बड़ा डिफरेंट जवाब दिया, आपने इसके खिलाफ कोई बात नहीं की। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, इसकी कीमत दी गई है। बिल्कुल ठीक। और हमें इसके साथ वफादारी करनी है। इस धरती ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें रखा है, और हम इसकी काश्त खाते हैं, तो इसके साथ वफादारी करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। राह साहब, आप हर साल नगमे बनाते हैं, तो कौन लिख के देता है आपको ये खूबसूरत नगमे? मेरे बड़े ही प्यार करने वाले कुछ दोस्त हैं, जो अगर किसी साल में थोड़ा सा लेजी भी हुआ होता हूँ तो वो पुशअप करते हैं। अच्छा अच्छा। उनमें एडिसन नवा, वाह, वो बहुत अच्छे शायर हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। उसके अलावा काशिफ सोनू है, वो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, और ऐसे मिलके पार्टिसिपेशन करते हैं हम। और मेरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा लोग मिलके करें। क्या बात है। उसमें ये नहीं कि मैं, अगर मेरे पास टैलेंट है या मेरा स्टूडियो है या मैं सिंगर हूँ, रिकॉर्डिस्ट हूँ, तो मैं अकेला ही लग जाऊँ। मेरी कोशिश होती है कि हम पांच सात दोस्त हों, काफी सारे दोस्त हों, तो हम मिलके करें पार्टिसिपेशन, ताकि उसमें एक जोश भी नजर आए और युगानगत भी नजर आती है कि वी ऑल आर यूनाइटेड, उसमें यूनिटी शो हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सबको साथ मिला के। वेरी नाइस। आपको कॉम्पोजिशंस भी उस पोइट्री के साथ मिलती हैं या कॉम्पोजिशन खुद से करते हैं आप? कंपोजिशन कुछ सॉन्ग्स की मैं खुद करता हूँ, कुछ जब पोएट्री मुझे गिफ्ट होती है तो साथ ही कंपोजिशन भी गिफ्ट हो जाती है। अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको कोई सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग दिया गया, उसकी कंपोजिशन साथ दी गई, आपके जहन में ये आया कि कंपोजिशन ऐसी नहीं, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो इसमें कुछ तरमीम करके अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, तो कभी ऐसा भी होता है? हाँ जी, क्योंकि जब कंपोजिशन की जाती है तो हम एक ही उसको स्केल में रख के तो बनाते हैं, उसको कंपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं, क्योंकि रिकॉर्डिस्ट भी हूँ, मुझे पता होता है कि सिंगर्स ने किस तरह से गाना है, उन्होंने क्या करना है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे वेरिएशन करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा मार्जिन रख लेते हैं। मार्जिन रख लेता हूँ कि अगर कोई सिंगर उतना अच्छा नहीं गा सकता तो उसके लिए स्ट्रेट उन लाइन्स को कर दूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा है, अगर कोई सीखा हुआ है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा हम उसमें कुछ वेरिएशन उसमें डाल देते हैं। वाह, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। आपके साथ एक हमने नेशनल सॉन्ग बनाया था, तो आपकी लाइन पूरे नेशनल सॉन्ग में सबसे डिफरेंट थी और सबसे मुश्किल लाइन थी आपकी। तो मैं बल्कि चाह रहा हूँ कि हम क्यों ना वो थोड़ा सा हम सॉन्ग गाएं और वो लाइन डेडिकेट करें कुछ लाइन सबको। जी, व्हाई नॉट। जज्बातों में मंजिलें हैं अपने हाथों में, यहाँ नाम नहीं अपने अपने, यहाँ एक ही हैं सबके सपने। रंग बरंगे फुला दे नल सजे पाकिस्तान, जिस पासों भी तके आ सोना लगे आ पाकिस्तान। रंग बरंगे फुला दे नल सजे आ पाकिस्तान, जिस पासों भी तके आ सोना लगे आ पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना दिल, पाकिस्तान अपना दिल, पाकिस्तान अपना दिल, पाकिस्तान अपना दिल। वाह वाह वाह, क्या बात क्या, क्या बात है जी, क्या बात। वाह, ये खूबसूरत कॉम्पोजिशन राह साहब की बनाई हुई, और ये अच्छी बात है कि हम जब कॉम्पोजिशन करते हैं तो मतलब जब ये जहन में हो कि हम डिफरेंट सिंगर्स को लेके गवाएंगे उनसे या उनको साथ लेंगे, तो फिर उसमें मार्जिन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी लाइंस जब मैंने बना ली तो जहन में चल रहा था कि नहीं, आसफ साहब जो है ना वो सिंपल नहीं गाएंगे और ना मैंने उनसे गवाना है। सही है। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपके साथ डिस्कस किया, तो फिर हमने ये लाइन कंपोज की। बिल्कुल, वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता होगा आपके लिए कि सिंगर को लेना, उसके टोन को देखना,
और फिर उसके मुताबिक उस कॉम्पोजिशन में से रास्ता बनाना उसके लिए लाइक थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ जी, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है और ऑलमोस्ट सारे सिंगर्स जो हैं वो मेरे स्टूडियो में आ चुके हैं। वाह। तो उनके साथ काम किया है मैंने और बस एक दफ़ा सुन के तो फिर पता लग जाता है कि अगला बंदा जो है वो कितना अच्छा गा सकता है, किस तरह से गा सकता है, कौन सी लाइन्स वो, उसका स्केल क्या है, तो ये सारी चीज़ें इजी होती हैं फिर आपको समझने में। वेरी नाइस। अच्छा राज साहब, एक सॉन्ग को कितना टाइम लगता है? लाइक 14 अगस्त का सॉन्ग है, आप उसको 1st of August से शुरू करते हैं या कोई 2-3 महीने पहले उसको बना के रख लेते हैं? नहीं, एक्चुअली पहले जो है वो फीलिंग्स ही नहीं आती। अच्छा अच्छा। एक मजे की बात ये है कि जब जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम इसको स्टार्ट करते हैं, सही है, और विद इन 3 to 5 days हम इसको कंप्लीट कर लेते सही हैं। सही है, मतलब बहुत फर्स्ट वीक ताजा ताजा गुलदस्ता बना के पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। और सबको पता होता है कि अब आगे टाइम भी नहीं है, तो इसलिए फिर सारी जरा एक दफा ड्यूटी से इसको बिल्कुल हम पूरा कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो इसके फिर वीडियो को भी प्रॉपर प्लान करते हैं, मतलब स्टोरी बोर्ड बनाते हैं इसका बकायदा? जी, क्योंकि इसमें मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बाज़ुकात अगर आप 1-2 मेंबर्स हैं तो फिर तो आप उस हिसाब से कहीं भी इंडोर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब ज़्यादा मेंबर्स हैं तो फिर उनके हिसाब से बड़ा देखना पड़ता है कि हमने जाना कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन है और वहाँ पे कैमरा का क्या काम है, वहाँ पे ड्रोन चल सकता है, वहाँ पे परमिशन है नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। पहले जाके हमें परमिशन लेनी पड़ती है, फिर पूछना पड़ता है, इसी तरह से वो सारा, फिर उसके बाद एडिटिंग का प्रोसेस होता है, तो वो इनके 3 to 5 days में सारा कम्प्लीट हो जाता है ये सारा काम। वंडरफुल। तो कैसा फील होता है आपको जब आपको उस सॉन्ग का फीडबैक मिलता है कि जी सुपर्ब सॉन्ग है, वंडरफुल लिरिक्स हैं और अमेजिंग उसकी कॉम्पोजिशन है और बहुत उसका ज़बरदस्त वीडियो मेकिंग उसकी बहुत कमाल है, तो कैसा फील करते हैं आप? मैं हमेशा इसको एक चैलेंज लेता हूँ। जब भी कोई कहता है कि आपका सॉन्ग बहुत अच्छा है, तो मुझे ये होता है कि अभी नहीं अच्छा, अभी और आगे जाना है, नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाना है। तो एक होता है कि इंसान समझ लेता है कि यार ये बहुत अच्छा है और बस जी वहाँ पे स्टॉप हो गए, लेकिन मुझे हर दफ़ा एक नया पैशन मिलता है जब भी अप्रिशिएट करते हैं लोग, तो मुझे होता है कि नेक्स्ट जो है उससे भी अच्छी चीज़ बनानी। मतलब ये है कि आपको उन कॉम्प्लीमेंट्स में से या उस अप्रिसिएशन में से क्रैक्शन भी नज़र आ रही होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। लोग बताते हैं, लोग कहते हैं कि इसमें आपकी आवाज़ नहीं अच्छी लग रही, इसमें ये जो सिंगर था इसकी आवाज़ नहीं अच्छी लग रही, लेकिन ओवरऑल हमने सबको लेके साथ चलना होता है। definitely, definitely. तो वो अगर कोई सिंगर उसमें अगर वीक भी है तो हम ये नहीं करते कि नहीं यार आप बिल्कुल भी इसमें ना गाओ, तो हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो हर कोई सिंगर नहीं बिल्कुल, भी किसी होता, के, टैलेंट, किसी का भी हौसला नहीं, मतलब वो किसी की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हम जहाँ पर भी जिस भी हालत में हैं, हमें हमेशा इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो रहे हैं या नहीं, और जहां पर भी हम अपने मुल्क को फ़ायदा दे सकते हैं हमें यकीनन देना चाहिए। जी, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं 14 अगस्त के हवाले से कि हम कैसे पहले सेलिब्रेट किया करते थे। तो जब आप टीनेजर होते हैं, जब आप जवान होते हैं, बेफिक्री होती है, आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो उस तरह से आप सीरियस नहीं होते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम चीज़ों सजाते थे चीज़ों से जब घरों को, तो उसके अलावा हमारा एक बड़ा टूर ये होता जब हम थोड़े से बड़े हो गए थे, बाइक्स सही करवानी है और साइलेंसर उनके निकालने हैं, तो ये वो जब सारे लोग दोस्त वगैरह मिल जाते हैं फिर इस तरह की, और तो हम पूरा लोगों दिन, का सुकून उड़ाना है। सही बात है, वो पूरा दिन ऐसे रोड पे फिरते रहना पेट्रोल डलवाना और फिरते रहना, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। एक सारे लोग उस तरह से सेलिब्रेट कर रहे होते थे, लेकिन जब फिर थोड़े से बड़े हुए, थोड़े मेच्योर हुए, फिर ये कि पता लगा कि आप एक्चुअली आप में टैलेंट क्या है, सड़कों पे फिरना जो है वो 14 अगस्त नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं है। तो जब निकलते हैं हम सड़कों पे, तो तब देखते हैं कि लड़के बड़ी रफ ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बेशक कार्स में उन्होंने डिक्की खोली होती है और बाइक्स पे हैं, तो वो भी ऐसे ऐसे करके जा रहे होते हैं, अच्छा खासा आगे बंदा जा रहा होता है लेकिन उसको ऐसे डॉज करवा के जाते हैं तो अगला बंदा गिर जाए या इस तरह से। तो मेरा हर दफ़ा मैसेज होता है
कि आप प्लीज़ 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 जब भी आप सड़कों पे जाएं अपनी बाइक्स को बहुत स्मूथली चलाएं। अब बाहर घूमना आपका हक है, लेकिन वन व्हीलिंग और किसी का नुकसान ना प्लीज करें, किसी की जान ना लें। जी, और वन व्हीलिंग तो वैसे ही है कि आप ज़रा सा भी कहीं पे भी अगर ज़रा सा चूके तो आगे भी बंदे की जान को खतर, जिससे आप टकराते हो, और अपनी जान को तो है ही। तो आप अपनी जवानी को इस तरह से ज़ाया कभी भी ना कीजिएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैसेज राहत मुशफिक ने दिया है कि आप 14 अगस्त तो मनाएं, आज़ादी तो मनाएं, लेकिन इस आज़ादी में किसी दूसरे की जान को ख़तरे में मत डालें, बल्कि अपने और अपने घर की हिफाजत करें, अपने प्यारों से मिले रहें और उनसे प्यार करते रहें। आखिर पर मैं चाहूँगा कि हम वो नगमा जो हमारे पाकिस्तान की शान है, हमारे पाकिस्तान की जान है, हम सब मिलकर गाएंगे, और इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो दिल सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।